आप सबों को यीशु के मीठे और पवित्र नाम में जय यीशु। मेरा आज का विषय है उद्धार की शुरुआत आप ही से है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम विश्वास के अलग अलग स्तर पर हैं। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो गैर क्रिस्तीय हैं, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य शायद यीशु को अब तक नहीं मानते या जो विश्वास में अभी तक नहीं आए। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो रो रो कर प्रार्थना करते होंगे या फिर बहुत तपस करते होंगे। उपवास या त्याग के द्वारा कई बार आपकी प्रार्थना सुनी जाने की अवधि भी लंबी लगती होगी, या घर पर विश्वास के विरोध के कारण कई बार कई प्रकार की बातें और रिएक्शंस का आपको सामना करना पड़ता होगा। शायद प्रार्थना भी नहीं करने देते होंगे। अगर आप उनमें से हैं तो मैं आज आपके लिए आशा का संदेश लेकर आई हूँ। एक बार जब पौलुस प्रचार कर रहा था तब उसका विरोध किया गया। क्यों उनका विरोध किया गया? उसे यहाँ तक कि बंदीगृह में डाला गया क्योंकि पौलुस ने एक आदमी जिसके पास एक लड़की काम करती थी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी जो लोगों को भ्रमित करती थी भविष्य को लेकर, और जब पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और जब उस लड़की के स्वामियों को ये बात पता चली तो वे बहुत क्रुद्ध हुए क्योंकि ये लड़की उनका पैसा कमाने का जरिया था। पर अब पौलुस के कारण उनका व्यवसाय चौपट हो गया। उसके बाद पौलुस को ना सिर्फ बंदीगृह में डाला गया पर उसे दंडित भी किया गया। फिर हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास को जेल में डाला गया, और जेल में जब दोनों प्रभु की आराधना करने लगे वो भी आधी रात में, तब अचानक वहाँ पर भूकंप आया, सब आसपास की जगह हिल गई। फिर हम पढ़ते हैं कि उनके बंधन खुल गए। इतना ही नहीं, जो उनके साथ बंदी गृह में थे, अन्य बंधक जो थे उनके साथ, वे भी इन दोनों की प्रार्थना स्तुति आराधना को सुनकर उनके साथ प्रार्थना करने लगे, जिसके कारण उनके भी बंधन खुल गए। हम याद करें मती के सुसमाचार में जहाँ वचन कहता है स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। उसी तरह जब हम आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं, वो भी किसी आत्मा को बचाने के लिए सच्चे दिल से अपने पापों का पश्चाताप करके, तब ना केवल वह अपना उद्धार कर आज़ाद होता है पर जो उसके साथ रहते हैं उनका भी उद्धार होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो बंदी गृह की देख रेख करने के लिए रखा गया था उसने डर के मारे आत्महत्या करने की सोची क्योंकि उसे लगा कि उसके अधिकारी उसे मार डालेंगे। पर जैसे ही वह अपने आप को मारने वाला था, क्या आप जानते हैं तब क्या हुआ? तब उस समय पौलुस ने क्या किया? उसने उस जेलर से कहा कि तू ऐसा मत कर, अपने को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, कोई भी नहीं भागा। और उसकी इस भलाई को देखकर उस जेलर को पता चल गया कि जो खुद के स्वार्थ से ज़्यादा दूसरों की भलाई सोचता है उसका ईश्वर कितना प्रेमी होगा, वह सच्चा ईश्वर होगा। तब जेलर ने आकर पौलुस से पूछा कि उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब पौलुस कहता है कि यदि तू यीशु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम में से कई लोग होंगे जो चाहते होंगे कि परिवार के अन्य सदस्य भी उद्धार को चखे जो स्वयं हमने चखा है। मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि हमारे पास कईयों के कॉल्स और मैसेजेस आते हैं जो चाहते हैं कि उनकी आत्मिक लाइफ में बढ़ोतरी हो, या फिर अन्य सदस्यों के मन परिवर्तन के लिए वे प्रार्थना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बचाया जाए तो वो उस विश्वास में आएंगे और उद्धार को भी पाएंगे। सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने यह इच्छा का बीज आप में डाला है, क्योंकि वह चाहता है कि आप अपने परिवार के उद्धार का जरिया बने। हम पढ़ते हैं मीका नबी और प्रेरितों के काम में जहाँ लिखा है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवक और युवकों को दिव्य दर्शन मिलेगा और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे।
मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। इसका मतलब है कि ईश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जन उद्धार पाए। ये संभव होगा जब हम एक प्रभु साक्ष्य जीवन जी पाए, हम में वो बात हो जो यीशु के स्वभाव को रिफ्लेक्ट करता हो। उदाहरण के लिए हम मूसा को ले। जब इसराइलियों ने एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी उपासना की, तब पिता ईश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा और ईश्वर ने मूसा से कहा कि वह इन सब को यही मार डालेगा इसी मरुभूमि में। तब क्या आप जानते हैं कि मूसा ने उन सब की ओर से क्षमा याचना करते हुए ईश्वर से क्या कहा? उसने कहा, यदि तू इन सब को मिटा डालेगा तो तू मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। हम इस आगमन क्यों ना अपने परिवार जनों के लिए उद्धार का माध्यम बने, इसके बजाय कि हम रोते रहे या उनमें मीन मेख या खामी निकाले। हम प्रभु से उनकी तरफ से पश्चाताप करें। प्रभु हमें इस भातृ प्रेम के लिए जरूर पुरस्कृत करेगा। आज हम आज के संदेश पर मनन चिंतन करें। आज का प्रभु वचन हम ले योहन अध्याय 14 पद संख्या 6 से, जो इस प्रकार कहता है, ईसा ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आशा करती हूँ कि आपका दिन प्रभु प्रेम और दया का प्रतीक बने। आमीन।